मैं एडिट तो नहीं कर पा रहा ना यार। चलो नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पार्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर पेपर गया 21। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस में 1/2 2x ओवर में 0 से π/2। अब ये क्वेश्चन तो काफी आसान है लेकिन इसमें गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करनी है ठीक है। लेकिन ये इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 0 से π/2 ठीक है। इसका आंसर आप आराम से निकाल लोगे ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, इसके इंटरवल हमेशा 0 से लेके π/2 नहीं, 0 से लेके π यहाँ पे ऐसे होता है, या फिर अगर सर ने 0 से लेके π कराया, 0 से लेके 3π/2 कराया ठीक है, बच्चे उसी को लेके मार्क करके चलते हैं ठीक है। तो हमेशा इसका जो इंटरवल है वो ध्यान करना कि इसके इंटरवल पे ही सवाल आएगा और इंटरवल के बेस पे ही मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका इंटरवल चेंज कर दिया तो बिल्कुल इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज होगी ठीक है, तो इसका ध्यान रखना हमेशा। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मेरे पास 3D ज्योमेट्री या जिसे कहते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है, और मेरे पास एक प्लेन है दैट इज 4x प्लस में 3y प्लस में 1 ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो बहुत ही आसान है ये सवाल, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 यूनिट ठीक है। नाउ अब ये सवाल जो है ठीक है इसका, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड दिस क्वेश्चन ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चा, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू में log 10x, हमें निकालना है dy/dx इज इक्वल टू में π/4। तो हमें क्या निकालना है, डेरिवेट करना है उसका ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू में π/4। तो सर इसको अप्रोच कैसे करें? तो सबसे पहले आप 10x को पुट कर दो कुछ भी ठीक है, पुट 10x इज इक्वल टू में ठीक है t पुट कर दो ठीक है, इसके हिसाब से जो भी आपका चेंज होता है उसको करो और अब इसको डेरिवेट करो ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू में ठीक है log अंडर रूट में t। अब आप इसको सॉल्व करो तो इसको अप्रोच करने का सॉल्यूशन है वो इस तरह से होता है, या फिर पूरा का पूरा अंडर रूट 10x को आप कंसीडर कर लो कुछ भी ठीक है। तो ये तरीका होता है इन सब सवालों को सॉल्व करने का ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट है हमारे पास ठीक है, हमारे पास वेरियंस निकालने का क्वेश्चन आता है, मीडियन निकालने का क्वेश्चन होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकालने का क्वेश्चन होता है। तो इवन नेचुरल नंबर है ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वन, एंड वी हैव टू कंसीडर इवन नेचुरल नंबर, सो वी विल नॉट इंक्लूड जीरो, वी विल काउंट फ्रॉम टू ठीक है, वी विल टेक 4, वी विल टेक 6, वी विल टेक 8, दीज आर नोन एज इवन नेचुरल नंबर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, उसका जो वेरियंस आएगा वो आप कैलकुलेट करना, दैट वुड बी 5833। नाउ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्या होते हैं ये सवाल पेपर में आते हैं, मतलब आप देखोगे ना तो ये सवाल का पैटर्न बहुत ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल बड़े ज्यादा आते हैं, 10 इनवर्स 1 प्लस में 10 इनवर्स 2 प्लस में 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू व्हाट ठीक है, या फिर पूछते हैं आपसे ठीक है 10 1 डिग्री प्लस में 10 2 डिग्री अप टू 10 90 डिग्री ठीक है। तो ये सारे सवाल होते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में काफी फेमस है और बहुत जल्दी हो जाते हैं ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है ठीक है वो क्या है हमारे पास पाई, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी पाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 द नॉर्मल एट दी पॉइंट 1 1 ऑन दी कर्व। तो हमारे पास एक कर्व है ठीक है, दैट इज 2y प्लस में x की स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 ठीक है। इसका क्या निकालना है मुझे, इसका नॉर्मल निकालना है इस पॉइंट पे ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है ठीक है। तो मेरे पास इसका नॉर्मल क्या आएगा ठीक है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है, और इसकी वैल्यू जो आएगी नॉर्मल आएगी वो आएगी x माइनस में y इज इक्वल टू में 0 ठीक है। द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, 2 एंड टचिंग एक्सिस x इज इक्वल टू 0, 3 ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास करेगी, दैट इज बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एंड द आंसर वुड बी 5, -2 ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन द मैट्रिक्स से सवाल आते हैं ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास आपको पता होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, हम कैसे इन सबको यूज करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू में a, ij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इवन ऑफ इवन ऑर्डर सच दैट aij इज मॉड ऑफ i² - j² देन, तो ये जो मैट्रिक्स होगी बच्चा ये क्या हुई, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स भी नहीं हुई, सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं हुई, तो बेसिकली इसमें से कुछ भी नहीं हुआ इसका ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा योग नन ऑफ दी अबव ठीक है। चलो इफ अ स्ट्रेट लाइन 2x प्लस में 3y
2x माइनस में 3y इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस एंड दिस। तो मेरे पास एक लाइन है बच्चा, ये चलो ये देखो मेरे पास एक लाइन है 7 कॉमा में 17, ठीक है, और एक लाइन है दैट इज 15 कॉमा में सी, ठीक है, और मेरे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज करना है और सी की वैल्यू निकालनी है। काफी आसान सवाल है, ठीक है, तो आप इसे करो, सी की वैल्यू आएगी दैट इज 5। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, ठीक है, अगर कोई मेरे पास क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा फॉर अस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट वुड बी 0। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ए बी, ठीक है, तो मेरे पास जो एडजॉइंट होगा ए बी का वो बिल्कुल इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इसे हम एक प्रॉपर्टी से जानते हैं दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेसिकली जो हमारे पास एडजॉइंट होता है ए बी का उसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी और जी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रिमाइंडर ऑब्टेंड 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 12 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो आप सबके फैक्टोरियल लो, एड करो, ठीक है, उसको लिखो और उसको 12 से डिवाइड करो, बेसिकली 1 फैक्टोरियल क्या होगा 0, 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, तो ऐसे फैक्टोरियल करो उसको 12 से डिवाइड करो दैट आंसर वुड बी 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर ए है। अब यहाँ पे क्या है ये सवाल काफी अच्छा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है दैट इज 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, अब उसने पूछा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो इसको ऑप्शन आप चेक करके देखना कि इनमें से कौन सा सही है, बेसिकली आप आराम से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैथ में कुछ टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनसे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है, और कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में आपका सारा पार्ट आ जाता है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब, ठीक है, तो इसका मुझे क्या निकालना है दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर में एक्स डी वाई प्लस में वाई की पावर एक्स प्लस में 2x dx इक्वल टू में 0, ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप निकालो, ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं दैट इज जनरल सॉल्यूशन होता है और एक होता है मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो ये दोनों हम यूज करते हैं, इसको निकालते हैं किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दैट रिजल्ट्स विद वाई इंटू में ई की पावर एक्स प्लस में एक्स की स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑर्डर और डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछता है कि बताओ ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जो मेरे पास डिफरेंशियल है, ठीक है, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, एक तो मेरे पास उसकी डिग्री और उसके पास पावर क्या है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा उसका ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको अरेंज कर लो, ठीक है, उसको पूरी तरह से अरेंज कर लो, मतलब इस बेसिकली को ऐसे करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे डी वाई डी क्यूब वाई प्लस में डी एक्स क्यूब है, ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं हमारे पास 3 को उस तरह भेजते हैं और हम इससे क्या निकालते हैं डिग्री, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये पावर कितना है मेरे पास, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर क्या है 3, ठीक है, और ये जो 2/3 है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, बेसिकली ऐसे हो जाएगा 1 + 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अ होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 times ऑफ डी क्यू वाई ओवर में डी एक्स क्यूब का, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्यूब, ठीक है, तो मेरे पास बच्चा डिग्री हो गया और पावर आ गया दैट इज 3 into 3, ठीक है। नाउ इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी क्या है बच्चा एपी में है, देन दी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करना कि अगर कोई भी टर्म किसमें है बच्चा एपी में है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करो इसका और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ पैराबोला वाई इज इक्वल टू 4x देन द लोकस, ठीक है, तो लोकस आपका कहाँ लाइक करेगा, तो लोकस निकालने के लिए आप इसको आराम से फॉर्मूला पुट करके आप इसको निकाल सकते हो देन द लोकस विल रिजल्ट एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक है उसे बच्चा नल मैट्रिक्स कहते हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं हम जब हम सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं, सही मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो सही प्रॉपर्टीज
जितनी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल इसका वर्टिसेस दे रखा है कुछ भी, मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, इसके फॉर्मूले को आप पुट करोगे दैट रिजल्ट्स विद 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है बेसिकली, ठीक है, बालमर सीरीज, ठीक है। द लिमिटिंग लाइन इन बालमर सीरीज विल हैविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसका ये आया। बाकी बालमर सीरीज एक तरह की सीरीज होती है, ठीक है। नाउ अमोंग अब नाउ हमारी क्या हुई, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और शायद बालमर सीरीज है तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बालमर सीरीज शायद केमिस्ट्री में होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में देखते होंगे बालमर सीरीज, ठीक है। और बालमर सीरीज के ऊपर बेसिकली बेसिकली सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप्स विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, तो आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये बच्चा आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज कौन कौन से हैं, ठीक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है केमिस्ट्री में, तो इसका ध्यान करेंगे, ठीक है। नाउ इससे काफी सवाल आते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन है उसका क्या निकालना है बच्चे, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं कैसे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हमें रिजल्ट करना है। तो ये एम के रिजल्ट करेगा, लेकिन हमें आना चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं वो जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग अ टी शेप स्ट्रक्चर, तो इनमें से किसका शेप जो होगा वो टी शेप बनाएगा। सो ये होगा बच्चा, ठीक है, हमारे पास क्लोरीन राइड, दैट इज CiFl3। नाउ सेम क्वेश्चन है बच्चा इक्विवेलेंट वेट से, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दैट इज 10 ml ऑफ Fe रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.65 ml ऑफ O2 टू गिव अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड FeO3। द मोल रेशो, मोल रेशो क्या होगा, ठीक है। तो ये वैसे एटॉमिक वेट पे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अगर केमिस्ट्री आप देख रहे हो तो एटॉमिक वेट से काफी सवाल आते हैं, मतलब, ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पेड इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये सारे सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान कर लेंगे ऐसे सवालों का कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम पेयर कितने हैं, मिनिमम पेयर कितने हैं, ठीक है। सो इट्स आंसर वुड बी Fe2+। नाउ H2SO4 इज 98% बाय वेट ऑफ अ सॉल्यूशन, हेंस इट इज अ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा भाई 500 मोलार, ठीक है। ये तो केमिस्ट्रीज है, तो जो केमिस्ट्री का टीचर है वो डील करेगा, लेकिन क्या क्या आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट से जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। सर को लगा ये सर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। अब सारे के सारे पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन फिर भी, ठीक है, जो, ठीक है, तो जो फैकल्टी है बस ये है, हमें पॉइंट देखना है कि कहाँ से पॉइंट है। जैसे केमिस्ट्री है उससे इक्विवेलेंट वेट से काफी हमारे टाइम भी सवाल आते थे और आपके पास भी इक्विवेलेंट वेट से काफी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पीरियोडिक टेबल से सवाल आते हैं कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इन Cl2 इज 242, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। तो कितनी एनर्जी लगेगी मुझे, तो दैट वुड रिजल्ट इन 494 nm, ठीक है। द स्पीसीज विच आर अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, अब ये काफी अच्छा होता है कि हमारे पास इंक्रीजिंग साइज, अगर मैं प्रायोरिटी टेबल के लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, प्रायोरिटी टेबल से टॉप से बॉटम में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑर्डर होता है साइज का, ठीक है, वो बढ़ता है, घटता है, ठीक है, किस वेव में उसका चीजें होती है, तो वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा दैट वुड बी Ca2+K+Ar Cl- and H2-, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाले हैं किसका, H2BO3, दैट वुड बी SP2 एंड SP3। डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली और हिजनबर्ग प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उससे आप सवाल देख सकते हो। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.33 nm, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.0 मोलर NaOH सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.110 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दो चीजें होती है बच्चा आपकी, मोलैरिटी और मोरैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोरैरिटी से सवाल आते हैं आपके पेपर में, तो इसको जरा मेंशन करना। ठीक है, कि हम मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट्स मोलैरिटी वुड बी 2.97। ठीक है, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, कम है, से सवाल आते हैं, दैट इज 2GH2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन एटमोसफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन एटमोसफेयरिक इन कैरेक्टर। ठीक है, इनमें से कौन से करता है ऑक्साइड करता है एटमोसफेयर में, ठीक है, इन कैरेक्टर, दैट इज SNO2। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियस कॉजेज डिक्रीज इन आयनाइज पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है, उनकी जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं तो उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। ये अब सवाल जो है वो डायरेक्ट है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए 3/2 RT। ठीक है, ये मतलब हमें भी याद है, ठीक है यार, ऐसे ही कुछ होता है 3/2 RT। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बच्चे याद कर लेते हैं 3/2 RT। ठीक है, नाउ द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम शैल बी। ठीक है, हमारे पास कुछ सवाल आता है फिजिक्स से, दैट इज जो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम का, तो जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनसाइड भी हो सकता है और वो आउटसाइड भी हो सकता है। सर कैसे, ये तो बताओ कैसे हो सकता है, ये तो मतलब आपका डोमेन आ गया थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल भाई, देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई बॉडी है जो रेक्टेंगल बॉडी है, तो रेक्टेंगल बॉडी क्या है, या फिर रेक्टेंगल बॉडी, या फिर आपका रेक्टेंगल, या फिर क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड क्या है, पूरा भरा बॉडी है। ठीक है, तो बिल्कुल फुल फिल्ड बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, बस एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक रिंग है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, आउटसाइड दी बॉडी या फिर आउटसाइड दी सर्कल। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास और इवन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इवन सेंट्रोइड में लाए इनसाइड और आउटसाइड दी बॉडी, दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एवरी बॉडी हैज इट्स ओन CG पॉइंट्स या फिर सेंट्रोइड पॉइंट। द सेंट्रोइड पॉइंट इज द इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ मास में लाई इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लास में लिखवा रखे हैं। ठीक है, सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम पढ़ाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स 5 से 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इनके सवाल आते हैं, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नाउ दूसरा सवाल है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज। सो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पी इज इक्वल टू 2E/3। नाउ अब काफी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज अ बॉडी इज कवरिंग, फिजिक्स का सवाल है, अ बॉडी, अ मूविंग बॉडी मतलब बॉडी मूव कर रही है, इज कवरिंग डिस्टेंस इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब बॉडी कैसे डिस्टेंस कर रही है, स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सवाल है, बेस्ड अपॉन द ग्राफ, अ बॉडी इज मूविंग विद कवरिंग डिस्टेंस इन स्क्वायर ऑफ द इन प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, इसको आराम से निकालना है, इसको देखोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कॉन्स्टेंट ग्राफ है उसको मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, वेलोसिटी को एक बार और लिखेंगे, ठीक है, दैट इज, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m/s², यहाँ पे मीटर क्या है डिस्टेंस और टाइम क्या है सेकंड स्क्वायर, तो आपका डिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शन है, स्क्वायर ऑफ द टाइम। बट इफ वी आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ग्राफ, हमारा स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का, व्हाट फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डेकी रिड्यूसेस द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय 2। तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। सो अल्फा डीके हमारे पास एक रेडियोएक्टिव डीके होती है, ठीक है, जो रिड्यूस करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, Whenever a wave enters from one medium to another medium, काफी important सवाल, ठीक है, जब हमारे पास कोई वेव होती है या फिर जब लाइट होती है वो मूव करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम या फिर rarer से denser, तो क्या होता है। ठीक है, सो whenever a wave enters from one medium to another ठीक है, its frequency does not change, frequency पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हमारे पास चीजें इफेक्ट पड़ता है वो अदर चीजें होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री वो क्या होगी।
मतलब अगर काफी बढ़िया सवाल है, सारे विद्यार्थी कर लेंगे वैसे तो, ठीक है, जिसने पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल और मुझसे पढ़ रखा है, तो मैंने तो बहुत इम्फेसाइज कर रखा है चीजों को, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री आ रही है, बस हो नहीं पा रही यहाँ पे, ये मालूम मेरी ट्रेजेक्ट्री है। तो पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन होता है, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन जीरो होता है, वी हैव मोशन ओनली इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन होगा। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन दी हाइएस्ट पॉइंट, एट दी हाइएस्ट पॉइंट द स्पीड और दी वेलोसिटी इज ओनली टेकन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन पे हाइएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है बच्चा वो क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड जीरो, वी हैव वेलोसिटी इज ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। काफी बार बताया गया ये क्लासरूम में, ठीक है, और ये सवाल जो है वो बार बार आता है, फेमस क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। इफ अ पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है। तो मेरे पास पार्टिकल है इन अ सर्कल जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी है मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। काफी आसान सा फॉर्मूला, सर्कुलर मोशन सीधा फॉर्मूला है, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ हाउ डज द इंटेंसिटी अफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमारे पास कैसे, हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो इफेक्ट करती है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो जैसी इंटेंसिटी बढ़ती है आपका जो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ता है। सर कैसे, जैसे मान लो आपका क्या है बच्चा, पीवी पैनल है, ठीक है। अब ये तो हमारे पे इसमें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये क्या बच्चा, मेरे पास एक पीवी पैनल है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वो रात का समय तो क्या वो करंट देता है, नहीं देता। जैसे ही आपका सूरज उगता है इसकी लाइट इंटेंसिटी पड़ती है, मतलब इंटेंसिटी इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होने लगता है पैनल से। जैसे ही 12 बजते हैं, दोपहर के 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, ठीक है, एट दी टाइम धूप बिल्कुल पीक पे होती है, उस समय जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट भी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब जो करंट का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। एंड इफ द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। सो ये इस प्रिंसिपल पे हमारे पास जितनी पीवी आरेज होते हैं, पीवी सेल्स होते हैं, इन सब पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल आता है, ठीक है, कि जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो आपका जो करंट है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। पीवी पैनल में आप देखोगे कि जैसे ही एक समय आता है 11 12 1, ये जो ड्यूरेशन होता है इसे कहते हैं हम, ठीक है, काफी, क्योंकि इस समय इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास जो करंट होता है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम ड्रॉ कर पाते हैं किसी पैनल से, ठीक है। नाउ द आइडियल गैस इज वन विच ओबेज बॉयलीज लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ये दो लॉ होते हैं और इन दोनों लॉ को ओबे करता है हमारे पास आइडियल गैस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर मास ऑफ मास एम एंड रेडियस एम विदाउट अबाउट अ डायमीटर आर, ठीक है। अब ये है सवाल बेस्ड अपॉन दी सॉलिड फिगर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर वायर, ऐसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है किसका, क्यूब का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है बच्चा किसका, क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर, ठीक है। इन सब के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है, इन सब के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है वो, ठीक है। तो याद करना चाहिए हमें, ठीक है, सॉलिड फिगर का जो ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें सारा याद होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज 1/2 mr², ठीक है। इन एक्सरे एमिशन ट्यूब्स एक्सरे इज एमिटेड बाय द एक्सलरेशन ऑफ, जो एक्सरे एमिशन में जो एक्सरे होता है वो किस कैसे एमिट होता है, तो वो एमिट होता है बच्चा, ठीक है, वो एमिट होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस एम रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, ½ mv², यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किससे रिप्लेस हो गई है, यहाँ वेलोसिटी रिप्लेस हो गई है ओमेगा से, और आर का फैक्टर आता है यहाँ पे, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी हो गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mr² × v², बेसिकली जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो गई है, आर ओमेगा से रिप्लेस हो गई है, ठीक है। नाउ द टाइम डिपेंडेंट ग्राफ फॉर मूविंग पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द टाइम डिपेंडेंट ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक पार्ट, ठीक है, देखो
मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है जो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, टाइम पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप किसी को भी मार्क करोगे ना वो ठीक होगा, ठीक है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी मे बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन मे बी यूनिफॉर्म, बोथ दी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मे बी यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है क्योंकि डिपेंडेंट किया है टाइम है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी होती है वो कब होती है, जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूँ, ठीक है। जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूँ तभी मैं किसकी बात करता हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एड्रेसेस ऑन हेडर चेंज एज दी पैकेट मूव्स फ्रॉम अ नेटवर्क टू नेटवर्क बट दी डैश डज नॉट, ठीक है। तो जो फिजिकल एड्रेस होता है हेडर का वो चेंज होता है एज दी पैकेट मूव्स फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क, लेकिन जो लॉजिकल पैकेट होता है वो चेंज बिल्कुल नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेस्ड अपॉन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सब सारे टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। गेट्स भी होते हैं, वो क्या, हमारे पास तीन तरह के गेट्स होते हैं, हमारे पास बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स। नाउ द एक्सनॉर गेट से सवाल आता है कि ये स्पेशल कौन सा गेट है, तो पहली सवाल तो मेरे पास ये होता है कि जो एक्सनॉर गेट है वो कैसा गेट है, स्पेशल तरह का गेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास होता है कि अब ट्रूथ टेबल से सवाल आता है, ठीक है। तो आपको एक्सनॉर का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दी ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सनॉर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है। तो इसमें जब जैसे मेरे पास दो इनपुट है एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। वी हैव 0 0, वी हैव 0 1, वी हैव 1 0, वी हैव 1 1, ठीक है। सो एक्सनॉर टेबल क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी, ठीक है, सेम आउटपुट, ठीक है। वेन वी हैव सेम इनपुट्स, ठीक है, जैसे कि होंगे आपके इनपुट सेम होंगे, आपके पास आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, वन होगा, मतलब ये वन हो जाएगा, ये वन वन है, ये भी वन होगा। वेन वी हैव डिफरेंट इनपुट्स द आउटपुट वुड बी जीरो, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है बच्चा, एक्सओआर गेट में एक्सओआर गेट विल बी वन और दी हाई वेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, मीन्स इफ एक्स एंड वाई आर देयर एंड वी हैव आउटपुट दैट इज वाई एंड वी हैव इनपुट सिग्नल 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एक्स और गेट, अगर मैं एक्स और गेट की बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा बच्चा, यहाँ पे आउटपुट होगा व्हेन वी हैव डिफरेंट इनपुट्स, सो यहाँ पे आउटपुट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, एंड रेस्ट ऑफ टू आर जीरो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स और का टेबल, और ये मेरे पास हो गया एक्स नॉर का टेबल। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में टेबल से काफी रिलेटेड सवाल आते हैं, और गेट जो होता है लॉजिक गेट्स उससे काफी सवाल देखने को मिले हैं। चलो एक बार लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जब लॉजिक गेट के बारे में बात कर लेते हैं तो एक बात कर लेते हैं, एक बार नवीन मुंजाल सर की एक बार ऐप है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐप है भाई, ठीक है, एक बार ऐप पे जाओगे। अब ऐप पे जितना मटेरियल होता है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना भी आपको एक्सेस देखना है सिलेबस, ठीक है, वो सारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहता है हमसे, ठीक है, यहाँ पे भी सब शेड्यूल होता है, ठीक है, जो भी सारे चैट्स होते हैं, ठीक है, आपको कभी भी बात करने कोई भी क्वेरी है यहाँ आप इसको आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, लाइव चैट, ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो हमारे पास एक प्ले स्टोर है, ठीक है, इसका नाम है GCC लीड कोचिंग, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी समय हो गया है टेस्ट सीरीज लगाने का, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप कितना पढ़ लो लेकिन टेस्ट सीरीज ना दो, आपका जो रिजल्ट होगा वो शून्य रहेगा, ठीक है। और आप कहोगे कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज नो वन कैन हेल्प यू, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि बस मेरे नंबर आने चाहिए, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है बच्चा कि जो सवाल आप पेपर में आ रहे हैं कि मैं उसे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्या मैं उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, क्या जो मैंने पढ़ा है उससे सवाल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या जो मैंने पूरा समझा है, क्योंकि डिप्लोमा का बच्चा है, ठीक है, सिलेबस पूरा सिलेबस रायता की तरह फैला हुआ है, ठीक है, क्या मैं उस पूरे रायता को समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा 3 घंटे एग्जामिनेशन में, उसके लिए होती है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपके पास है नहीं, मतलब आप बिना हथियार के पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि बिना हथियार के आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपके हथियार काम करता है। जितने आप टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, उतने आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से ही पढ़ते हैं, यहाँ के सारे स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं वो तो टेस्ट सीरीज लेते ही हैं, फुल फ्लैश में टेस्ट सीरीज चलती है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। लेकिन जो बाहर से ही पढ़ते हैं वो भी टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल करते हैं। क्यों सर? मैंने सिलेबस तो खुद खत्म कर लिया, लेकिन पेपर का पैटर्न कैसा है वो मुझे जानना है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है आपको टेस्ट सीरीज से, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक शेड्यूल है हमारा। ये तो टेस्ट सीरीज है जो बच्चे अलग से लेते हैं, ठीक है? और ये टेस्ट है जो अभी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनका क्या शेड्यूल होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये टेस्ट का शेड्यूल बना हुआ है, 14 लेके पूरा 30 मई, 31 मई, अब पता नहीं ये महीना कितने का है, ठीक है? लेकिन शेड्यूल हमने बना दिया है, ठीक है? पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज चलेंगे फुल फ्लैश में, ठीक है? तो जब आप रोज टेस्ट देते हो तो आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, तो ये चीजें हैं जो आपको जरूर हेल्प करती है पेपर में, ठीक है? इसलिए रैंक निकल के आते हैं आपके अच्छे, ठीक है? और इसलिए हम कहते हैं कि जीसीसी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं, 98%, 99%, इस बार शायद हम 100% को अचीव कर ले इन केस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है? सीयूईटी, लीट, इन सब की आप देख सकते हो, ठीक है? क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, ठीक है? आप इसका जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हो, ठीक है? जो बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा बिल्कुल ले सकता है, ठीक है? ऑफलाइन बैचेस विल बी देयर फॉर द अपकमिंग लीट एग्जामिनेशन, ठीक है? जो अब होंगे 23 में, ठीक है? 22 का तो सब, 22 के बच्चे तो हमारे योद्धा हो गए हैं, हम तैयार हो गए हैं, उनको तो बस पेपर दे दो, वो तो मतलब कह रहे हैं कि हमें पेपर कब मिले। जैसे ही पेपर मिलेंगे वो तो बस आग लगाने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि रेडी हो क्या सर? हम तो रेडी हैं, माचिस की तिल्ली हमारे पास है और पेट्रोल हमारे पास पास है, जैसे ही पेपर मिले आग लगा देंगे हम तो। ऐसी तैयारी है थोड़ी बच्चों की। चलो ऐसे बच्चे मुझे कहते हैं, सब बच्चों का अपना अपना ओपिनियन होता है। चलो ठीक है, नाउ तो लॉजिक गेट्स की बात कर रहा था मैं, ठीक है? तो लॉजिक गेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है? नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट बॉक्स टेक्निक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, ठीक है? स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, सॉरी, ठीक है? बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमने पढ़ा है आज, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इज नॉट अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या सर? जैसे आपके घर में बिजली है तो बिजली का बिल कौन भरेगा? है आपके पापा भरेंगे, तो उसमें बिजली का बिल जो आता है वो कैसे आता है, ठीक है? वो एक डिवाइस होता है सर, एनर्जी मीटर, वो मेजर करके दे देता है। तो मस्त आपने, आप चला रहे हो लाइट, आप चला रहे हो पंखा, आप चला रहे हो एसी, आप हर दिन का क्या कर रहे हो, पावर को कंज्यूम कर रहे हो, और एट दी एंड वो टाइम से मल्टीप्लाई होके 30 दिन का आपके पास क्या आता है, एनर्जी आती है, ठीक है? उसे कहते हैं बच्चा एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर ऑलवेज कैलकुलेट्स योर एनर्जी कंजम्पशन ऑफ योर एंटायर मंथ, एंड दैट इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑल्सो योर एम्पियर आवर मीटर इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों क्या है बच्चा आपके पास? अब एनर्जी मीटर को मैं वाट आवर मीटर भी कहता हूँ, क्योंकि पावर इंटू में टाइम दैट कैलकुलेट्स योर एनर्जी, ठीक है? एनर्जी मीन्स योर पावर इंटू में टाइम, ठीक है? आज बिल्कुल मतलब पेंटाइप खेल रहा है हमारे साथ, ठीक है? दूसरा वोल्टमीटर क्या है सर? वोल्टमीटर इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यू हैव सीन वोल्टमीटर इन वेरियस लेबोरेटरीज वेयर यू हैव चेक्ड दैट कि वोल्टमीटर क्या होता है। जैसे मैंने 220 वोल्टेज लगाई, उसने इंडिकेट कर दिया हमारे पास वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, 220। सो योर एमीटर, योर वोल्टमीटर, योर वाटमीटर, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज योर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाइल वाट आवर मीटर और यू कैन से एनर्जी मीटर और यू कैन से एम्पियर आवर मीटर इज नोन एज योर इंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने अभी पढ़ा है क्लासरूम में और ये लिखवाया खास, ठीक है? तो यहाँ का बच्चे तो काफी बढ़िया है, ठीक है? दूसरा एक और डिवाइस होता है बच्चा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है मेरे पास नल डिटेक्शन। तो नल डिटेक्शन इज बेसिकली योर योर नल डिटेक्शन। अगर कोई पूछता है नल डिटेक्शन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है? सो गैल्वेनोमीटर इज अ नल डिटेक्शन, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, वो आता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है? सो आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी क्लासिफिकेशन में क्या आता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और क्या आता है आपके पास, पोटेंशियोमीटर, पॉट जिसे कहते हैं, पॉट। अब ये वाला पॉट है जिसमें आप पानी देते हो, ठीक है? ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है? नाउ डीबगिंग इज अ, ठीक है, डीबगिंग इज फाइंडिंग द करेक्टिंग एरर्स इन अ कोड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है? तो डीबगिंग का मतलब ये होता है, कहते हैं ना बग फाइंड करना, बग फाइंड करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स फाइंड करना, डीबग करना, जो भी एरर्स है सही करना, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सबसे पहले ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। थोड़ा तेज हो गया सर, लो भाई धीरे हो गया, बस 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 बस, जिस चीज की दिक्कत थी जल्दी कर देते हैं, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ किस में नहीं लगता बच्चा, डी सर्किट में लगता है, स्मॉल रेजिस्टर में लगता है, हाई करंट में लगता है, सेमी कंडक्टर में नहीं लगता। सेमी कंडक्टर्स आर द डिवाइस इन विच द ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप सेमी कंडक्टर्स पढ़ते हो तो पहली बात ही बताते हैं यही कि इसमें ओम्स लॉ नहीं लगता भैया। ठीक है, सेमी कंडक्टर एक अलग तरह की डिवाइस है जिसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। मेरी मर्जी है, ठीक है, मैं जब चाहूं गेट पल्स ऑन कर दूं वो कनेक्टर बन जाए, मैं जब चाहूं गेट पल्स ऑफ कर दूं वो इंसुलेटर बन जाए। ठीक है, मतलब इट्स प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इन आवर हैंड एंड दैट्स व्हाई चेंज द इंटायर इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नाउ वी आर कन्वर्ट, तो मेरे पास क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल। ये तो इससे आसान कोई सवाल नहीं होता, कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सवाल आ रहे हो तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कहना सर, अरे बाइनरी है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पूरा आना चाहिए आपको। ठीक है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। ये सवाल तो काफी आसान है, इसको क्या ही बताया जाए। पहला सवाल तो ये सबसे आसान से ये पूछता है कि बताओ ऑक्टल का बेस क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना वैसे व्हाट इज द बेस सिस्टम ऑफ ऑक्टल। ठीक है, वैसे विद्यार्थी हमारे तेज है, लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करना है बच्चा ऑक्टल में। ठीक है, तो ऑक्टल जब भी हमें करना तो हम इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। तो मेरे पास एक पहला पेयर बन गया 101, दूसरा पेयर बन गया 100, मेरे पास एक बच गया, मैंने दो जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया 101 कोड लिख दिया। ठीक है, दैट इज 5, 100 कोड लिख दिया दैट इज 4, 001 कोड लिख दिया दैट इज 1, मेरे पास आंसर आ गया 148 एंड द बेस ऑफ द ऑक्टल इज 8। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 148 8। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, कृपया करके ध्यान रखो। नाउ फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। 8 फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 8 बिट। ठीक है, मेरे पास 8 फ्लिप फ्लॉप है तो कितना स्टोर करेगा, 8 बिट स्टोर करेगा। दैट इज डैश मॉड्यूलेशन इज यूज इन अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इन इंडिया। सो वी आर यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं किसके लिए, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। सर कैसे, वो नॉब घुमाते हो ना आप, ठीक है, इसे तो हम ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मॉड्यूलेशन होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी इज लोकेटेड इन, जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वो किस में लोकेट होती है बच्चा, हार्ड ड्राइव में। ठीक है, सीधा कंप्यूटर क्वेश्चन है, कोई लेने देना नहीं इसमें। ठीक है, वट डज नॉट एन ऑसिलेटर कन्वर्ट, ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, वट डज नॉट एन ऑसिलेटर कन्वर्ट। ठीक है, जो ऑसिलेटर होता है, ठीक है, वो क्या कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, एसी पावर इनटू डीसी पावर, वट डज नॉट एन ऑसिलेटर कन्वर्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो डीसी, जो ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, डीसी पावर किसमें कन्वर्ट करता है, एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द ब्रिज यूज टू मेजर द डायलेक्ट्रिक लॉस ऑफ इंसुलेटर दैट इज नॉट शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, एंडरसन ब्रिज को यूज करते हैं बच्चा लो क्यू कॉइल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, लो क्यू कॉइल्स को मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। वीन ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड शेयरिंग ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एज वेल एज डायलेक्ट्रिक लॉस दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का पार्ट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, तो ये हमारा ब्रिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेज साइज इंक्रीजेज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिप्रोडक्शन द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू अ कॉलम इन अ टेबल। जो हमारे पास क्या होती है एट्रीब्यूट्स होती है वो किसको रेफर करती है बच्चा, कॉलम को। इन अ टू पास असेंबलर द ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन इज डन ड्यूरिंग सेकेंड पास। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है वो किसमें डन होता है बच्चा, सेकेंड पास में। वट इज द नेम ऑफ द लोकल एड्रेस ऑफ अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर क्वेश्चन है काफी अच्छा, दैट इज अ यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कॉपीज ऑफ द सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट अ मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चा हम डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, मतलब आपका जो डेटा है वो एक ही जगह पड़ा हुआ है अलग अलग फाइल लोकेशन में, वो क्या बढ़ाता है, स्टोरेज बढ़ाता है बेसिकली, एंड दैट इज नोन एज योर डेटा रिडंडेंसी। अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम बोथ एंड्स बट नॉट इन द मिडल, इट इज नोन एज डी क्यू।
ठीक है, इसे कहते हैं क्यू होता है, डी क्यू होता है, ठीक है, तो क्यूज होता है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर, डी मक्स, काफी बढ़िया सवाल है, इसको यूज करते हैं हम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, मक्स से सवाल आते हैं, ठीक है, मक्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, मैनी टू वन, ठीक है, वाई कैन नॉट द डीसी एमीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास जो डीसी एमीटर होता है वो क्या मेजर नहीं करता, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर क्यों नहीं कर पाता। जैसे मान लो मेरे पास एक डीसी एमीटर है, मतलब एक ऐसा मीटर जो क्या करेगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को मेजर करेगा। अब अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट यूज करना चाहूँ तो डीसी एमीटर क्या करता है बच्चा, डीसी एमीटर मेजर करता है एवरेज वैल्यू, ठीक है, क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। अब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू। अब एक साइन वेव का एवरेज वैल्यू क्या है, मतलब ये हाफ और ये हाफ, इसका एवरेज क्या होगा, शून्य, उसको रीड ही नहीं करेगा तो जीरो मेज करेगा, ठीक है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है, दैट इज इजियर टू टेस्ट एंड डिबग, ये हमारे पास यूज होता है। टू आइडियल वोल्टेज ऑफ अनइक्वल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन पैरेलल, ठीक है, मेरे पास दो अगर सोर्स हैं तो उसको मैं अलग अलग वैल्यू को मैं आराम से उसको पैरेलल में नहीं जोड़ सकता। ये उस तरह से हो गया, जैसे मान लो आपके पास दो टंकी, एक 5 लीटर की, एक 10 लीटर की टंकी है, तो क्या आप उसको पैरेलल में ला सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये खुद ही पावर ट्रांसफर करने लग जाएंगे, ये इसको देने लगेगा, ये इसको देने लगेगा, ठीक है, सर्किट में जाएगी नहीं पावर। सेम वोल्टेज होगी, अगर ये 5 वोल्ट की और ये 10 वोल्ट की है तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, और हम पढ़ते भी हैं दैट इन पैरेलल वोल्टेज मस्ट बी सेम, अगर वोल्टेज सेम रखना है तो दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बराबर। आप 10 वोल्ट 10 वोल्ट के वोल्टमीटर को रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉरी वोल्टेज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक 5 वोल्ट है और एक 10 वोल्ट है तो ये दिक्कत कर देगा, क्यों, ये इंटरनली पावर ट्रांसफर करने लग जाएंगे, ये सर्किट को पावर ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम और आपका फॉल्ट ओवर हो जाएगा। सेल्स आर कंटिन्यूस सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है, 1.8 वोल्ट का, आपने 5 सेल लगा दिए तो उसकी रेटिंग क्या हो गई, 1.8 × 5, ठीक है, बढ़ गई उसकी रेटिंग। प्रेजिंग इज ऑल्सो अ सिंटेक्स एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे, ठीक है, तो एरे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, सो बेसिकली एक एरे क्या होता है, परफेक्ट सेट ऑफ डेटा आइटम्स होता है। जैसे मैंने एरे डिफाइन कर दिया, ठीक है, दैट इज आई, जो मैंने इंक्लूड करा ए आई इज इक्वल टू 5, मतलब अब जो एरे है उसकी जो लोकेशन होगी A0 से लेके A4 और उसकी क्या होगी, स्टैटिक मेमोरी है बेसिकली, ये स्टैटिक, इसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि एक बार अगर मैंने एरे डिफाइन कर दिया वो डिफाइन हो गया, ठीक है, इसको इसका इसका डेफिनेशन भी आता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए, ठीक है, ब्रैकेट जो होता है इस तरह का ब्रैकेट होता है, ए ब्रैकेट में 5, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका इनिशियलाइजेशन हो गया कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ एन एनालॉग सिग्नल हैज सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 kHz to 5 kHz, व्हाट इज द नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट फॉर दिस सिग्नल, उसका नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट कितना होगा बच्चा, 8000 samples per second, ईजी है, ठीक है, अगर आपको नाइक्विस्ट सैंपल रेट सैंपलिंग रेट निकालना आता है तो आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो हम इफिशियंसी जो है वो क्या है, नॉट अ डायरेक्ट मेजर इफिशियंसी, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, जो कैच मेमोरी होती है बच्चा वो डिपेंड करती है किसके बीच, सीपीयू के बीच और रैम के बीच, ठीक है, तो कैच मेमोरी के बारे में थोड़ा और जानना, सीपीयू के बारे में थोड़ा और लिखना, रैम के बारे में थोड़ा और लिखना। सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज बेस्ड अपॉन, ये किस पे बेस करती है बच्चा, ये रिक्वायरमेंट से बेस करती है, डेवलपमेंट आइटम्स और यूजर्स से बेस करती है, ये प्रोजेक्ट टाइप और एसोसिएटेड रिस्क पे डिपेंड करती है, मतलब ये सभी पे डिपेंड करती है। अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज गेन, ठीक है, यहाँ पे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, पहले तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें कौन कौन से जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करना पड़ता है, कौन कौन से जंक्शन को रिवर्स वाइज करना पड़ता है, ये सवाल आता है। इफ वी हैव टू जंक्शन J1 J2, ठीक है, मेरे पास दो जंक्शन है, J1 है J2 है, ठीक है, अगर मैंने एक को फॉरवर्ड वाइज कर दिया एक को रिवर्स वाइज कर दिया तो क्या बनेगा, दोनों को फॉरवर्ड वाइज कर दिया तो क्या बनेगा, दोनों को रिवर्स वाइज कर दिया तो क्या बनेगा, ठीक है, इनसे सवाल आते हैं, ठीक है। सो एम्पलीफायर इज ऑब्टेन इन दिस केस, ठीक है। अब मेरे पास कॉमन एमिटर अगर मैं एम्पलीफायर बना रहा हूं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट हाई वोल्टेज गेन। अब
द यूनिट ऑफ एनर्जी मीटर, आपके घर पे जो एनर्जी मीटर लगता है वो किसमें, उसकी यूनिट किसमें होती है, तो आप लोगों ने अपने बिल के रीडिंग में देखा होगा दैट इज किलो वाट आवर, या फिर आपको पता है एनर्जी किसमें रिप्रेजेंट होती है, दैट इज पावर इंटू में टाइम। ठीक है, पावर इज रिप्रेजेंटेड इन वाट्स एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स और आवर। ठीक है, द डीएमए ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय, जो डीएमए होता है उसको इनिशिएट करते हैं बच्चा, दैट इज योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक छोटी चीज और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जितने भी ऑल इट एग्जामिनेशन है उसके ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप सिर्फ सारे के सारे ऑनलाइन कोर्स को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके एडमिशन इनरोल नाउ प्रोसीजर अपकमिंग बैचेज चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या करियर है देख सकते हो, कहीं भी आपके सेंटर में डिटेक्ट करना हो कौन सा आपको सेंटर है, कौन सा आपके एरिया के पास आपका, तो बेसिकली दिल्ली का आदर्श नगर मेन सेंटर है, हेड ऑफिस वहाँ आपके, वहाँ आप कॉल करें कभी भी आ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है एडमिशन के लिए आप यहाँ इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जितनी वीडियो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कौन कौन सी वीडियो है सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो अच्छे से भर भर के। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स नाउ, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, दैट इज व्हेन ट्रांजिस्टर ऑपरेट बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर किस में एक्ट करता है? ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर कहाँ एक्ट करे बच्चा, मेरे पास ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, तो मेरे पास कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन, या फिर ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे मेरे पास, ऐसे मेरे पास, ऐसे मेरे पास, यहाँ से ऐसे होता है। व्हेन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन, तो ट्रांजिस्टर किस में एक्ट करता है बच्चा, ट्रांजिस्टर एक्ट करता है द स्विच। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर व्हेन ट्रांजिस्टर एक्ट्स इन एम्पलीफायर रीजन, उस रीजन का कहते हैं। ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर एम्पलीफायर है ठीक है तो वो किस रीजन में काम कर रहा है। व्हेन द एम्पलीफायर, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ स्विच, बट व्हेन द ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर इट इज वर्किंग इन विच रीजन, कमेंट सेक्शन में बताना, देखता हूँ आप लोगों की कितनी जानकारी है। ठीक है, अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ लेड ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो जितने आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स होते हैं ना बच्चा, मतलब वोल्टेज सोर्स जो डिफाइंड होते हैं वो आपको होते हैं आपके लेड एसिड सेल, इसकी रेटिंग होती है 1.08 वोल्ट्स और ये डिफाइंड होते हैं। ठीक है, दैट इज लेड एसिड सेल्स इज आर द आइडियल वोल्टेज सोर्स। नाउ बहुत ही अच्छा है बच्चा, हमारे पास ओपैम्प, इसकी डेफिनेशन है ऑपरेंशियल ऑपरेशनल ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है बच्चा। अब ये क्या होता है बच्चा, हमारे पास दो बेसिकली ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, आप हम जब स्टडी करते हैं ट्रांजिस्टर को तो हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीफायर है उन दोनों की स्टडी करते हैं, और बेसिकली ओपन में करते हैं हमारे पास दोनों इनपुट का डिफरेंस आगे भेजता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी उसका डिफरेंस है उससे हम आगे भेजते हैं इनपुट पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओपन है वो क्या होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ओपन से कुछ इसकी प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं कि सर इसका सीएमआर क्या क्या होता है, इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इसका आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है। ठीक है, इन सारे सवाल आते हैं काफी बेसिक बेसिक, तो आपको जब आप ओपैम पढ़े तो ये सारे बातों को नोट कर लें कि इसका इनपुट इम्पिडेंस कितना है, इसका आउटपुट इम्पिडेंस कितना है। ठीक है, इसका सीएमआर कितना है। ठीक है, सीएमआर इनफिनिट है तो सीएमआर का रेशो क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड एफईटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, बीजेटी इज नोन एज अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये क्या होता है बच्चा, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। वी हैव आईजी, हमारे पास एक गेट सिग्नल होता है उसको हम वेरी करके हम क्या करते हैं आउटपुट करंट को वेरी करते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी वर्किंग देखोगे तो पता चलेगा कि हम इसके जो भी ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो बेस करंट है वहां वैल्यू देते हैं, या फिर जो भी हमारे पास करंट है उसको चेंज करके हम आउटपुट करंट को चेंज करते हैं। ठीक है, सेम आता है बच्चा मेरे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चा, मेरे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बीजेटी एफईटी में क्या अंतर है। सो योर बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड योर एफईटी इज अ बायपोलर डिवाइस, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक कर सकते हो आप, इट इज ऑल्सो बायपोलर डिवाइस। सर बायपोलर डिवाइस क्या होता है, बीजेटी इज नोन एज अ बायपोलर डिवाइस, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें जो कंडक्शन होता है वो करंट की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। ठीक है, द कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, बट इन एफईटी, एफईटी को हम कहते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर डिवाइस, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरियर की वजह से होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी 32K इनटू वन रैम चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 256 KB। ठीक है, कितनी मेमोरी लगेगी मुझे 32 इनकी कि मैं 256 KB की एक बाइट बना लूं। सो दैट वुड बी 64। ठीक है, व्हाट डज द अर्थ इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड, जो अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मुझे क्या प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना बच्चा, वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक लाइटनिंग रॉड, एक बिल्कुल छत पे एक रॉड लगी होती है। वो जो रॉड होती है वो सीधी की सीधी अर्थ से कनेक्टेड होती है। सर क्यों होता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कभी भी आपकी लाइटनिंग हो तो जो भी आपका लाइटनिंग सर्ज है वो सारा का सारा उस रॉड से अर्थ पे ट्रांसफर हो जाए, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चा लाइटनिंग इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, इसे कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड्स। अर्थ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्राउंड्स में पेनिट्रेटेड होते हैं एट द वेरी एंड। ठीक है, और वो जो अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंटेंट होती है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जैसी लाइटनिंग अरेस्टर पड़ती है, मतलब जैसी लाइटनिंग पड़ती है तो क्या होता है, सारा का सारा आपका जो सर्ज है वो कहाँ पास होता है, ग्राउंड पे पास होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेस्ड है पावर सिस्टम क्वेश्चन है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम से सवाल आते हैं। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। काफी बढ़िया सवाल है, हम तो मतलब ये सवाल जो है क्लास में काफी बार डिस्कस किया गया है कि सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर, इनमें से किस में सुपर पोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बच्चे को लगता है कि अगर मैं सुपर पोजिशन थ्योरम से करंट निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, वोल्टेज निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, तो पावर भी निकाल सकता हूँ, नहीं। सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज एंड सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू करंट। सिर्फ आप इससे करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कीजिए, आप पावर की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर। अगर आपको पावर की कैलकुलेशन करनी है तो आप सुपर पोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज ओनली यूजफुल इन वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सोलर सेल। सो सोलर सेल इज नोन एज अ फोटोवोल्टिक सेल। आप लोगों को पता ही है जितने भी पीवी पैनल्स होते हैं वो क्या किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फोटोवोल्टिक एनर्जी प्रिंसिपल पे। व्हेन जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस फ्रॉम अ लॉजिकल एड्रेस द ऑफसेट इज स्टोर्ड इन, जो ऑफसेट होता है वो किसमें स्टोर्ड होता है, द ऑफसेट इज स्टोर्ड एज रीलोकेशन रजिस्टर्स। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑफसेट है वो किसमें स्टोर होगा, रीलोकेशन रजिस्टर्स। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब एक आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि इंडक्टेंस मेजर करने का क्या क्या मतलब, किन किन से ब्रिज से मैं इंडक्टेंस मेजर कर सकता हूँ। क्वेश्चन है बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी। पता होना चाहिए कि मैक्सवेल ब्रिज क्या मेजर करता है। मैक्सवेल ब्रिज यूज करता है इंडक्टेंस, लेकिन सर और क्या मेजर करता है मैक्सवेल, मैक्सवेल ब्रिज यूज करता है बच्चा, मैक्सवेल ब्रिज ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट ऑफ द मीडियम क्यू कॉइल्स। जितनी भी मीडियम क्यू कॉइल होती है उस मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, आई ऑल्सो यूज मैक्सवेल ब्रिज। लेकिन सर मैं याद कैसे करूं, मेरे पास इतने ब्रिज हैं। देखो हम सभी क्या है, मोह माया से दूर है ना, क्योंकि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी मोह माया है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ठीक है, हॉटस्टार, ये सब क्या है, मोह माया बच्चा। ठीक है, तो हम इन मोह माया से दूर है क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस मोह माया में फंसे हुए हो तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो मोह माया से हमें दूर रहना चाहिए जब हम क्या करते हैं, तैयारी। ठीक है, तो हम तैयारी कर रहे हैं तो मोह माया से दूर है काफी। ठीक है, देखो बच्चा एम स्टैंड करता है मैक्सवेल, क्या स्टैंड करता है, एम स्टैंड्स फॉर मैक्सवेल। ठीक है, एच स्टैंड्स फॉर हेज ब्रिज, ओ स्टैंड्स फॉर ओन्स ब्रिज। ठीक है, दीज आर द ब्रिज दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो अगर पेपर में सवाल आए विच ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मैक्सवेल ब्रिज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, हेज ब्रिज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ओन्स ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो सर ये कौन से हैं, रेजिस्टेंस, बच्चा रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बाय अ डी सोंटी ब्रिज और इवन शर्चिंग ब्रिज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर बाय अ वीन ब्रिज। ठीक है, अब वीन ब्रिज को याद करते हैं कैसे, इसका भी रिलेशन बताता हूँ कैसे याद करते हैं वीन ब्रिज को। बच्चा ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो ये जो ओमेगा है और डब्ल्यू है सेम सेम लग रहा है ना। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं बाय ओमेगा, और ये ओमेगा और डब्ल्यू सेम है, तो इसको याद करने का तरीका है बच्चा, दैट इज डब्ल्यू स्टैंड्स जो करता है वो ओमेगा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ओमेगा डब्ल्यू एक एक, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर क्वेश्चन,
ये सारा फैल गया पूरा, इसको यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, तो मोह से हम सब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मोह से, मोह काफी इंपॉर्टेंट है, मोह में से दूर रहना चाहिए, है ना, दूर रहते हैं यहाँ के विद्यार्थी वैसे। व्हेन अ पीक आउटपुट वोल्टेज इज 50, द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इन अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट। PIV निकालना है, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब, ठीक है, मतलब अगर मैं उसको इनवर्स मतलब उसको रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स कंडक्शन में काम करे अगर मेरे पास कोई भी डिवाइस, ठीक है, तो मेरे पास उस पर कितनी मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज अ पीक इनवर्स वोल्टेज। एंड फॉर सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है, इट वुड बी 2 VM, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 100 वोल्ट। ठीक है, नाउ काफी ज्यादा सवाल है बच्चा, बेस्ड अपॉन दी कनेक्शन इन बल्ब्स। ठीक है, बल्ब से सवाल आते हैं। ठीक है, अब आपको बल्ब सवाल करने से पहले ना ये देखना होगा, ठीक है, अगर मान लो आपके बच्चा क्या है, सीरीज में दो लैंप है, ठीक है, तो कौन सा लैंप ब्राइटर जलेगा। ठीक है, अगर पैरेलल में दो लैंप है, ठीक है, तो कौन सा लैंप ब्राइटर जलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सीरीज में लैंप है, ठीक है, तो जो लोअर रेटिंग वाला लैंप है, SL, S रिप्रेजेंट व्हेन द लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द लोअर रेटिंग ऑफ बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। व्हेन द लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द हायर रेटिंग ऑफ बल्ब विल ग्लो। चलो दिखाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये मान लो मेरे पास 60 वॉट, ये 40 वॉट, ये 60 वॉट, ये 40 वॉट। ठीक है, अगर मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो क्या होगा बच्चा, सीरीज में जो लो रेटिंग का बल्ब है दैट इज 40 वॉट, ये अधिक जलेगा मतलब ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा। पैरेलल में जो हाई रेटिंग का बल्ब है दैट इज 60 वॉट, ये ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, अब सवाल इस तरफ देखो, 100 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रूम हीटर। एक बल्ब है जो एक रूम हीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कितने का है, 100 वॉट का है। इफ नाउ 100 वॉट इज रिप्लेस बाय 40 वॉट, अब इसने क्या कर दिया बच्चा, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 40 वॉट से, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान लगाना, आउटपुट की वैल्यू सडनली डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, आपने पावर रेटिंग को ही डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सीरीज में हमारे पास पावर रेटिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेम अगर इसका पैरेलल पूछते तो क्या होता वो बताना। ठीक है, नाउ विच वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, अब ये से सवाल काफी आते हैं। ठीक है, इम्पिडेंस का उल्टा क्या होता है बच्चा, एडमिटेंस, थोड़ा ये देखो, काफी इससे सवाल आते हैं। ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस दैट इज एडमिटेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। इनसे सवाल आते ही आते हैं, आप कोई भी लिख के एग्जामिनेशन दो, वो पूछता है कि बताओ रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस क्या होता है, दैट इज योर एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज योर कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है, दैट इज नोन एज अ ससेप्टेंस। अब इनकी यूनिट क्या होती है सर, एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, दैट इज सीमेंस कह लो, मोह कह लो, या पर ओम कह लो। ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेंस कह लो, मोह कह लो, या पर ओम कह लो। ठीक है, तो इन सबकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इन नोडल एनालिसिस एन इफ एन आर द नंबर ऑफ नोड्स देन द इक्वेशन इज रिटन एज। ठीक है, तो ये है इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास 3 नोड दिए हुए हैं तो आप 2 इक्वेशन तो निकालोगे ही। ठीक है, दैट इज योर n-1। ठीक है, वट विच आर द कोलिजंस फ्री मेथड टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सेस मीडियम एक्सेस कंट्रोल। सो टोकन रिंग और टोकन बस मेथड्स आर यूज टू एक्सेस द मीडियम एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट अ डबली लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट से काफी सवाल है भाई। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से हम इसको कहते हैं। दैट इज इंप्लीमेंटिंग अ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन सिंपली लिंक लिस्ट। बहुत बढ़िया, डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप वैल्यू जो है वो लेफ्ट राइट से आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। हमारे पास किरचॉफ साहब थे, किरचॉफ साहब के 2 लॉ थे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ किस पे डिपेंड करता है, केसीएल जंक्शन पे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दैट इज केसीएल सजेस्ट दैट द टोटल इनकमिंग करंट इन टू अ नोड इज और अ जंक्शन इज 0। ठीक है, केवीएल साहब क्या कहते हैं, ऑल द वोल्टेज ड्रॉप और ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज 0। ठीक है, बायस इज यूज्ड एज बाई ऑपरेटिंग कंडीशन। नाउ विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रेफर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है बच्चा, स्टैक्स होते हैं। ठीक है,
नाउ व्हेन अ 50 हर्ट्ज साइनसोइडल सप्लाई इज अप्लाइड टू अ इनपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अभी तो काफी आसान सवाल आ गया भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि सर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आपका जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है? हाँ जी सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर आपका इनपुट कैसे है? इनपुट ऐसे है, इनपुट अगर ऐसे है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई 100 हर्ट्ज। सवाल अगर सेम, अगर वो पूछता बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या इफिशियंसी, क्या फ्रीक्वेंसी होती, वो 50 ही रहती, ठीक है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगता है, ठीक है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टेबल, इसका आउटपुट निकालो, ठीक है? आराम से करो, आराम से मस्त तरीके से। द फंक्शन ऑफ अ लॉजिकल लिंक लेयर आर ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज द लोएस्ट इन द मेमोरी हायरार्की, इनमें से कौन सा क्या होता है बच्चा लोएस्ट होता है इन द मेमोरी हायरार्की, दैट इज अ सेकेंड मेमोरी, ठीक है? सेकेंड मेमोरी काफी क्या होता है बच्चा लोएस्ट होता है, ठीक है? कंसिडर द पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू वेयर टी इज सेकेंड्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है? मेरे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है बच्चा 1 प्लस में 0.5 cos 40 ओमेगा टी cos 100 ओमेगा टी वेयर टी इन सेकेंड्स, उसका फंडामेंटल सेकेंड्स होगा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो अब समाप्ति की तरफ है, समाप्ति से पहले थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो कट ऑफ है, ठीक है, सारी चेक कर सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्लाइड लिख के क्या कट ऑफ है, सारी कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है, किसकी कितनी कट ऑफ है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में मैं दोबारा एम्फसाइज करूंगा क्योंकि टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टेस्ट सीरीज हर लीड के लिए स्पेशली डिजाइंड है, ठीक है? आईपीयू लीड, डीटीयू लीड, और आप एक मिनिमम अमाउंट देके सारी की सारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्लाइड लीड की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है? स्लाइड लीड का क्या पैटर्न है वो मिल जाएगा, ठीक है? कैसे परचेज कर सकते हैं वो मिल जाएगा। एक मोटिवेशनल वीडियो डाल रखी है बिल्कुल, जिससे आप एकदम हर तरीके से मोटिवेट हो जाओगे और फिर तो कहोगे, ठीक है, कि अब तो भैया बीटेक निकालना है बढ़िया कॉलेज से, ठीक है? ये सारी चीजें हैं जो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो बच्चा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप ज्वाइन अभी के अभी कर लो, ठीक है? इसमें कुछ 3000 सब्सक्राइबर पहले से ही हैं, ठीक है, 3655, ठीक है? तो आप भी जुड़ के इसमें अपना एक फैमिली जो है कम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है? जो भी चीजें हैं इसमें देखो बच्चा, अराउंड 1000 पोस्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, 970 पोस्ट हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है? तो 100,000 पोस्ट हम कर ही देंगे पूरी के पूरे, ठीक है? तो चाहते हैं कि आप भी इसको फॉलो करो सारी अपडेट पाने के लिए, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, जो हमारे पास बचे हुए शेष क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर का बच्चा दूसरा नाम होता है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर में क्या होता है हमारे पास जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है ओपैम मस्त, ये जो मेरे पास ये सीधा कनेक्टेड होता है आउटपुट ऑफ द टर्मिनल से, ठीक है? ये मान लो मेरा ओपैम्प है, इसका जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी जो आरएफ की वैल्यू होती है बच्चा वो क्या होती है, उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1, जो भी वैल्यू है रेजिस्टेंस के बराबर हो जाते हैं, दैट मेक्स द वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है? तो वोल्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं आपको। द एसी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड डैश देन इट्स डीसी रेजिस्टेंस, अब पूछ रहा है तो एसी रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चा? एसी रेजिस्टेंस जो होता है ना ज्यादा होता है डीसी रेजिस्टेंस से, निकालते कैसे बच्चा? जो एसी रेजिस्टेंस होता है ना वो हमेशा क्या होता है बच्चा 50% ज्यादा होता है डीसी रेजिस्टेंस से, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है? गोल्स फॉर द डिजाइन ऑफ लॉजिकल स्कीम इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए, सो क्लास ए किससे बिलोंग करता है बच्चा? 1.2 बेसिकली आईपी एड्रेस है, ठीक है? द रजिस्टर यूज टू स्टोर द फ्लैग्स इज कॉल्ड एज फ्लैग रजिस्टर, रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज नोन एज अ, ठीक है, टू यूज द स्टोर ऑफ द फ्लैग्स आर नोन एज अ फ्लैग रजिस्टर, रजिस्टर एक बार बिल्कुल देखना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? सो इसमें ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज टू इफेक्टिवली यूटिलाइज मेन मेमोरी, डायनेमिक लोडिंग को यूज करते हैं। द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल फॉर मीडिया यूज फॉर लैन वैन आर नोन एज अ, इन सभी से यूज करते हैं बच्चा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफर गेन इज जनरली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, बच्चा ये रेसिप्रोकल होता है सेंसिटिविटी का। रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, आपके घर पे जो फ्यूज होते हैं उसकी रेटिंग किस में होती है बच्चा, एम्पियर्स में होती है, ठीक है। बेसिकली जो फ्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, करंट को मेजर करके डिटेक्ट करते हैं करंट का, अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो किस में रेटिंग होती है बच्चा, एम्पियर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एरे का, कि वेस्टिंग ऑफ जो मेमोरी वेस्ट होती है, जैसे मान लो आपने एरे डिफाइन कर दिया 100 एलिमेंट्स का, ठीक है, लेकिन आपने स्टोर करे सिर्फ और सिर्फ 10 एलिमेंट, तो क्या हुआ बाकी के जो 90 एलिमेंट है वो क्या हुए, वेस्ट हो गए, ठीक है। गीगाबाइट क्या होता है, अ गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। इफिशियंसी ऑफ अ सेंटर टेप रेक्टिफायर 81%, सेंटर टेप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इन सबकी इफिशियंसी पता होनी चाहिए। वेब ब्राउजर इज अ, सब कुछ दिखाता है, वेब पेज भी दिखाता है, इंटरनेट सोर्स भी दिखाता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है। FIFO शेड्यूलिंग इज, इसे कहते हैं बच्चा नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। द वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ ओपैम इंक्रीज फ्रॉम 8 वोल्ट इन, अब हमारे पास क्या होता है बच्चा, स्लू रेट क्या होता है, स्लू रेट होता है चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में कितना चेंज हुआ अपॉन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज, ठीक है, 8/12, ठीक है, दैट इज 0.61 वोल्ट माइक्रो सेकेंड, ठीक है। स्लू रेट दिखाता है आपका, ठीक है, कि आपका कितना चेंज हुआ है वोल्टेज में, ठीक है। वट आर द वेरियस टेस्टिंग लेवल्स, ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और सिस्टम टेस्टिंग होती है, ठीक है, ये सारे टेस्टिंग के चीजें हमारे पास। द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज इक्वल टू, साइन वेव की पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चा, ये होता है मेरे पास 1.41, ठीक है। पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, पीक वैल्यू इज डिफाइंड एज, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ द सिस्टम अपॉन में RMS वैल्यू ऑफ द सिस्टम, दैट रिजल्ट्स टू 1.41, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ लेवल ऑफ अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, तो फिजिकल लेवल इज यूज्ड। इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट जनरली बाय टूज कंप्लीमेंशन मेथड, टूज कंप्लीमेंशन मेथड यूज करते हैं मतलब सब्ट्रैक्शन में। पेज फॉल्ट ओकर्स इन व्हेन द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी, जब भी आपका पेज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता तब क्या होता है आपका पेज फॉल्ट ओकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट, दैट इज एज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर गोज अप बेस एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो बेस एमिटर रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें इन डेप्थ नहीं जाना, हमें सभी के सभी सब्जेक्ट का ऊपरी ऊपरी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो मुझे उसके डेप्थ में नहीं जाना, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मुझे उसके डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो ऊपर ऊपर का सारा कवरेज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें पता हैं तो आप स्लाइड लीड के पेपर को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लेंथी पेपर है, इसका सिलेबस बड़ा वाइड है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पूछा गया है, फिजिक्स पूछी गई है, केमिस्ट्री पूछी गई है, इंग्लिश पूछी गई है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चा वेब पेज पे जाओ, ठीक है, टेस्ट सीरीज में जाओ और टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके बिल्कुल एक बार टेस्ट सीरीज को देखो, क्योंकि अगर आप जितने सेट ऑफ पेपर दोगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज का पोर्टल अवेलेबल है, आप सभी टेस्ट सीरीज को आराम से लॉग इन कर सकते हो, GCC की ऐप जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐप पे सारा कुछ देख सकते हो, वेबसाइट से आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हो, अपकमिंग बैच दे सकते हो, कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो बिल्कुल आप इनरोल कर सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों अवेलेबल है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन बैच ले सकते हो तो बिल्कुल लो, क्योंकि ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन की बात अलग है और ऑनलाइन की बात अलग है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन भी लेते हो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हो। ये पेपर की सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेपर का पूरा अपडेट जो है वो टेलीग्राम पे मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें आप देखते रहिए, कुछ भी क्वेरी होने पे आप कोई भी दिक्कत ना लीजिए, कॉन्टेक्ट अस करिए दिल्ली के हेड ऑफिस आदर्श नगर में, ठीक है। वी ऑल आर अवेलेबल टू हेल्प यू, इफ़ यू हैव एनी हेल्प अराउंड रिगार्डिंग लीड एग्जामिनेशन देन वी आर ईगरली हेल्पिंग यू, ठीक है, हम बहुत ही आपको ईगरली हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट आता है आपका बच्चा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, वहां से हम उसको उठा लेंगे और उस पर एक नई वीडियो बना देंगे। ये पूरा पेपर है बच्चा स्लाइड लीड का, पेपर कैसा लगा, ठीक है, पेपर में क्या डिफिकल्टी थी वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, क्यों बताना, क्योंकि बच्चा अगर मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा तो ये पता कर पाऊंगा ना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, ठीक है।
जो भी लगता है कि सर मुझे हाँ ये चीज और हो जाती तो मजा आता, ठीक है, तो वो बिल्कुल लिखना, ठीक है, ये सारी बात लिख देना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन यू कैन कॉल अस, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप यू ऑल विल गेट अ गुड रैंक्स इन स्लाइट लीट एंड टेक अ बेटर कॉलेज, टेक अ बेटर एडमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।